नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही है। जोशीमठ में सलूर गांव तक जाने वाला जो मुख्य रास्ता है जानलेवा, उसमें गड्ढे हैं। बता दें, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इन गड्ढों से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ नगर का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव, जिस गांव का नाम सलूर गांव है, जो जोशीमठ ब्लॉक का सबसे बड़ा गाँव माना जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं एक ऐसे गाँव की जिस गाँव तक जाने वाली सड़क जैसी सुविधा तो हो चुकी है, लेकिन विगत कई वर्षों से इस गाँव तक जाने वाला जो मुख्य रास्ता है जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। जिस सड़क पर वाहन ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। हालांकि शुरुआती समय में कई जगह पर थोड़ा थोड़ा डामीकरण किया गया, जिसके बाद इस सड़क पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। आज भी सलूर गांव की इस सड़क की समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। भरी बरसात में इस सड़क पर वाहन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की आवश्यक वस्तु ले जा रहा मिनी ट्रक बीच सड़क के गड्ढे में फंस जाता है और सभी ग्रामीण मिलकर इस ट्रक को निकालने की कोशिश करते हैं। आए दिन वाहन फंस जाते हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोशीमठ से नवीन सिंह के साथ रिपोर्ट। दुर्गम घाटी है, सीमा कलगोर घाटी है, पला चकोला की घाटी है, सब एकदम से रोड निकलता है। कितना बदतर हाल है, बुरा हाल है, किस तरह से रोड की दुर्दशा है, ये पूरी दुनिया जानती है। और नेता जो है कह रहे हैं कि हमने जो है पूरी डिजिटल इंडिया बना दी है, हमने विकास की जो है कीर्तिमान गाड़ लिए। अरे जाके जरा एक बार दुर्गम की रोड को तो देखो, किस बुरे हाल में है, गाड़ियों के क्या हाल हो रहे हैं, जनता के क्या हाल हो रहे हैं, बीमार कैसे जा रहा है, सामान कैसे जा रहा है, इन हालातों में लोग वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए नेताओं को, भाजपा सरकार के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से बुरे हाल में हमारी सड़कों का हाल है और लोगों की राशन नहीं पहुँच पा रही है, लोगों की दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही है। और ये लोग कहते हैं कि हम उत्तराखंड का भला करेंगे, ये उत्तराखंड का कोई भला नहीं करेंगे, ये केवल अपने लिए कार्यालय खोलेंगे। 5-स्टार फैसिलिटी के इन्होंने बड़े बड़े कार्यालय खोल दिए हैं और केवल ये उसी का गुणगान करें, विकास इनके बस की बात नहीं है। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी दो मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइव दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525, 9412265608।